बिंदास, बोल्ड और बेबाक बेबो यानी सैफ अली खान की बेगम करीना कपूर भले ही दो बच्चों की मां बन गई हों, लेकिन उनके स्टारडम और फीस में कोई कमी नहीं आई है। इसी साल दूसरी बार मां बनी करीना और जल्द ही पर्दे पर भी नजर आने वाली है। एक के बाद एक बेबो की झोली में कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैग्नम ओपस फिल्म रामायण में करीना कपूर नजर आएंगी। खबर है कि करीना को भी ये फिल्म ऑफर की गई है। इस फिल्म में बेबो सीता का रोल निभा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर को फिल्म की कहानी तो पसंद आई है, लेकिन उन्होंने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की फीस की डिमांड कर ली है। इस किरदार के लिए करीना कपूर खान मेकर्स की पहली पसंद है। करीना को उनके रोल के लिए 6 से 8 करोड़ की फीस तय की गई थी, लेकिन अब बेबो ने सीधा 12 करोड़ की डिमांड कर दी है। खबरों की माने तो करीना के पास कई प्रोजेक्ट्स पहले से होने के चलते उनके लिए इस फिल्म के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और इतनी फीस शायद ही मेकर्स ऑफर कर पाएं। ऐसे में करीना का नाम फाइनल होगा या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। करीना कपूर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म वीरे दी वेडिंग 2 और हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही एक अनटाइटल्ड फिल्म में काम करती नजर आएंगी। हाल ही में करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। करीना तस्वीर में मिरर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उनका घटा हुआ वजन भी दिख रहा था। फिलहाल कोरोना के कहर और लॉकडाउन के कारण बेबो इन दिनों परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रही हैं और अपने छोटे बेटे पर इन दिनों काफी ध्यान दे रही हैं। वो घर पर ही हैं और सभी से घर पर रहने और सुरक्षित रहने की बात कह रही हैं। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो करीना लाल सिंह चड्ढा मूवी में नजर आएंगी, जिसमें आमिर खान लीड रोल में है। ये फिल्म मशहूर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी अडेप्टेशन है। ये फिल्म क्रिसमस 2021 पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।